नीमच में बुधवार को महिलाओं ने अखंड सौभाग्यवती होने को लेकर करवा चौथ का व्रत रखा। बता दें कि इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती है। माना जाता है कि इस दिन अगर सुहागिन स्त्रियां उपवास रखे तो उनके पति की उम्र लंबी होती है और उनका ग्रस्त जीवन भी सुखी रहता है। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सर्गी देती है। इस सर्गी को लेकर बहुएं अपने व्रत की शुरुआत करती है और शाम के समय शुभ मुहूर्त में चांद निकलने से पहले पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। चांद निकलने के बाद महिला चंद्रमा को अर्घ्य देती है और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है। नीमच शहर में भी विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर व्रत रखा, साथ ही पूजा अर्चना की गई। देर शाम चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला। ये करवा चौथ की पूजा की जा रही है, हम लोग हर साल यहाँ पे करते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है और हम लोग कोरोना में बहुत समय के बाद एकत्रित हुए हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह उठ के सूरज निकलने के पहले सर्गी करते हैं, फिर सारा दिन निर्जला रह के सब लोग व्रत करते हैं। देर शाम चंद्रमा के बाद पानी को चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोलते हैं।